सो हेलो एवरी वन, वेलकम बैक टू ज़ीरो यूट्यूब चैनल। दिस इज़ शिवानी केसवानी। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ ECGC PO का स्कोर कार्ड शेयर करने वाली हूँ 2022 का। मैंने 2021 का भी शेयर किया था, बट लास्ट टाइम मैंने इंटरव्यू नहीं दिया था। इस बार इंटरव्यू दिया है, तो इंटरव्यू के भी मार्क्स मैं आपको शो करने वाली हूँ। फाइनल कट ऑफ क्या गया है वो किसी को भी नहीं पता है, बट ऐसा बोला जा रहा है कि 192 समथिंग कट ऑफ रही होगी। इसके बारे में तो मुझे पता नहीं है। मैं आपको अपना स्कोर कार्ड दिखाती हूँ और आप मुझे बताइए कि कैसा स्कोर आपको लगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, शिवानी केसवानी नाम है मेरा। UR कैटेगरी से मैंने फॉर्म भरा था जर्नलिस्ट पोस्ट पे। अब यहाँ पे जब आप स्कोर देखेंगे तो पूरा 240 मार्क्स का ये पेपर होता है। रीजनिंग में 50 मार्क्स का रहता है, तो रीजनिंग में पासिंग जो आपका कट ऑफ गया है 9.75 गया है। मेरा स्कोर बना 35.75। मैथ्स इंग्लिश का देखें तो 40 में से मैंने 40 आउट ऑफ 40 अटेम्प्ट किए थे। मैंने आपको अपना एनालिसिस वीडियो में बताया था मैंने कितने अटेम्प्ट किए, वो भी देख सकते हो आप जाके। तो 40 में से 16.25 कट ऑफ गई है और मेरा जो स्कोर बना वो 34.25। इसमें अच्छा स्कोर बना है मेरा। कंप्यूटर में देखें तो 20 में से 9.5 कट ऑफ गई है और मेरा 11.25 बना है। जनरल अवेयरनेस का देखें तो जनरल अवेयरनेस में मैं कहूंगी कि थोड़ा सा कम स्कोर बना और थोड़ा टफ भी आया था जनरल अवेयरनेस। 40 में कट ऑफ ही आप देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना टफ रहा होगा। 4.75 कट ऑफ गई है और मेरा 16.75 स्कोर बना है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में अगर देखें तो 50 में से 11.75 कट ऑफ गई है और मेरा 27.5 बना है। इसमें भी मुझे लग रहा है कि अच्छा इसमें किया है मैंने। डिस्क्रिप्टिव में अगर देखें तो 40 में से 20 कट ऑफ गई है और मेरा 25 बना। तो ओवरऑल कट ऑफ 141 गई 240 में से। इस बार कट ऑफ थोड़ा कम गया है लास्ट ईयर से, तो ये पेपर की डिफ़िकल्टी लेवल पे डिपेंड करता है। और मेरा आया है 150.5, मतलब इसमें से कट ऑफ में से कट ऑफ से मेरा 9 नंबर ऊपर आए हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये पूरा आपको कट ऑफ मिल जाएगा जर्नलिस्ट स्ट्रीम का कि किसका क्या कट ऑफ गया है। यहाँ पे आप कट ऑफ चेक कर सकते हैं। मेरा इतना अच्छा स्कोर बनने का एक ही रीज़न है कि मैंने मॉक टेस्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस किया था। अगर आप भी मॉक टेस्ट पे फोकस करते हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देते हैं, डिस्क्रिप्टिव की भी प्रैक्टिस, मैंने आपको डिस्क्रिप्टिव की भी स्ट्रैटेजी बता रखी है कि किस तरीके से आपको डिस्क्रिप्टिव पे मेहनत करनी है। क्योंकि डिस्क्रिप्टिव जो होता है 40 में से आप 35 नंबर आराम से लेके आ सकते हो। मेरी टाइपिंग स्पीड इतनी नहीं है इसलिए मेरा 25 बना है, बट आप बहुत अच्छे से अच्छे नंबर इसमें ला सकते हो। इंग्लिश की भी स्ट्रैटेजी मैंने आपको बता रखी, सारी स्ट्रैटेजी वीडियोज मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं। बाकी मॉक टेस्ट ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है। मॉक टेस्ट जितने ज्यादा आप लगाते हो प्रैक्टिस उतनी ज्यादा होती है। यहाँ पे मैथ्स और रीजनिंग का अगर आप देखोगे 50-50 मार्क्स का यहाँ पे मैथ्स रीजनिंग है, तो कितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करके यहाँ पे लेके आ सकते हो। अब इसका मैं आपको बताऊं तो बेस्ट मॉक टेस्ट जो अभी अवेलेबल है वो है टेस्ट बुक का। इन्होंने अपना लेवल भी इंक्रीज कर दिया है। अगर आप देखोगे काफी शानदार लेवल के मॉक टेस्ट ये दे रहे हैं, एकदम एग्जाम लेवल के। पहले थोड़ा सा लेवल इनका कम था, पर अब इन्होंने अच्छा लेवल करके बहुत ही अच्छा, मतलब अगर आप इसका एक फ्री मॉक टेस्ट लगा के देखोगे तो आपको काफी पता चलेगा कि कितने अच्छे मॉक टेस्ट यहाँ पे अवेलेबल हैं। आपको फुल मॉक टेस्ट, आपको प्रीलिम्स के, मेंस के और सेक्शनल वाइज, टॉपिक वाइज सारे मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। प्रैक्टिस के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, तो आप परचेज कर सकते हो। यहाँ पे आप मेरा कोड यूज करोगे तो अच्छा खासा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। और आप लो और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाओ। अगर आपकी पूरा सिलेबस आपका हो जाता है तो आपको मॉक टेस्ट पे फोकस करना चाहिए और फिर आपको अपने वीक पॉइंट्स को पकड़ के, जो कि टेस्ट बुक में ही आपको दिखा देते हैं कि कौन से एरियाज आपके वीक हैं, उस पर मेहनत करोगे तो आप आराम से बहुत अच्छा स्कोर कर ले जाओगे। अब अपन देखते हैं इंटरव्यू का, जो कि गेम चेंजिंग रहा मेरे लिए। यहाँ पे अगर आप इंटरव्यू का स्कोर देखोगे तो 60 रहता है, मतलब 300 का टोटल रहता है, मतलब 300 में से कट ऑफ लगभग 192 गई है ऐसा लोग बोल रहे हैं। मुझे पता नहीं है, अभी कट ऑफ रिलीज नहीं हुई है ओवरऑल। अब इसमें से
आपका ये प्री रिक्वेस्ट होता है कि आपको 40% मिले पासिंग में। अगर आप पास नहीं कर पाते हो इंटरव्यू तो आप फेल हो जाते हो। मतलब अगर 40% आपको नहीं मिलता है तो आपके मेंस के मार्क्स की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। तो यहाँ पे मुझे 40% ही मिला है। अगर आप देखोगे 60 में से 24 मिला। आप ना मेरा ये वाला वीडियो ज़रूर चेक करना, इसमें मैंने अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस बताया है। अब मैं आपको इसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन बता रही हूँ। आप लोग भी अपने ऑब्जर्वेशन लिखना कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या लगता है, क्या कमी रह गई और क्या एक्स्ट्रा करना चाहिए था। लेकिन मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन आपको बता रही हूँ कि आपका जो पैनल है, आप चाहे जो भी क्वेश्चन आपसे पैनल ए ने पूछा, आपने एक आंसर दिया, ठीक है, आपका आंसर सेम है। वहीं पे पैनल बी ने आपसे सेम क्वेश्चन पूछा, सेम आंसर है, लेकिन दोनों पैनल किस तरीके से उसको लेते हैं वो डिपेंड करता है उनकी थिंकिंग पे, ठीक है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, इन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था कि आप एमपी के बारे में बताइए क्योंकि आप एमपी से आती हैं, तो बट मैं उसका आंसर नहीं दे पाई थी। तो जो मेरा पैनल था उन्होंने इस तरीके से लिया कि ये जहाँ रहती है इसको उसी के बारे में अवेयरनेस नहीं है, तो बहुत ही बेसिक नॉलेज होना चाहिए आपको अगर आप जहाँ से रहते हो, तो वो चीज़ उन्होंने उस तरीके से ली। वहीं पे अगर दूसरा कोई पैनल होता तो वो इस तरीके से भी ले सकता था कि हमें इसके एमपी के नॉलेज से हमें कुछ मतलब तो है नहीं, हमें कोई काम तो एमपी में कराना नहीं है, ऑल इंडिया हमें इसको घुमाना है, फाइनेंस रिलेटेड वर्क कराना है, बैंक रिलेटेड वर्क कराना है, तो हमें उसका फाइनेंस वाला नॉलेज चेक करना चाहिए, इकोनॉमिक्स चेक करनी चाहिए, रेदर देन हमें उसके एरिया से कोई मतलब तो है नहीं। तो वहीं आपका जो सेम आंसर होता है उसके अलग अलग पर्सपेक्टिव से आपका पैनल लेता है। तो आप कभी भी ये मत सोचिए कि आप जो आंसर देंगे वो पैनल को अच्छा ही लगेगा। पैनल की जो थिंकिंग है, जो उनका थॉट है, थॉट प्रोसेस है, उस हिसाब से ही वो लेंगे उस आंसर को। तो आप समझने की कोशिश ही कर सकते हैं। देखिए, आप इंटरव्यू देने जाते हैं, उन 10-15 मिनट में आप ज़्यादा तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन हाँ, अगर आपने उनकी थॉट प्रोसेस पकड़ ली कि वो किस क्वेश्चन को किस तरीके से लेते हैं, वो कंजर्वेटिव माइंडसेट वाले हैं या लिबरल माइंडसेट वाले हैं, अगर आपने वो पकड़ लिया तो आपका इंटरव्यू बहुत शानदार जा सकता है। तो सेम आंसर के अलग अलग पर्सपेक्टिव हो सकते हैं। बाकी आप मुझे अपने ऑब्जर्वेशन ज़रूर बताना कि मुझे अपने इंटरव्यू को कैसे स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, क्योंकि हमेशा अगर आप देखेंगे कि मेरा मेंस का स्कोर बहुत अच्छा रहता है बट इंटरव्यू में थोड़ी बहुत कमी रह ही जा रही है, तो आपके जो वैल्यूबल कमेंट्स हैं वो मेरी लाइफ में बहुत अच्छा रोल प्ले करेंगे। तो आप प्लीज़ बताइए कमेंट सेक्शन में कि मुझे और क्या क्या करना चाहिए, अपनी पर्सनालिटी में किस तरीके से डेवलप कर सकती हूँ, क्या गलतियाँ मैं अभी कर रही हूँ और मेरी गलतियों से आपको भी सीखना है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो यही चीज़ है। अगर आप मेरी गलतियों से सीख गए तो आप अपना 1 साल बचा पाएंगे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। मैंने अपना स्कोर कार्ड आपको शो कर ही दिया है। उम्मीद है आपको कुछ मोटिवेशन मिला होगा इससे। और ECGC का हर साल एग्ज़ाम होता है, अभी मार्च के टाइम में इसका नोटिफिकेशन फिर से आउट होगा, और तैयारी कीजिए। इसका भी स्ट्रेटजी वीडियो मैं लेके आऊँगी। और क्या क्या वीडियोस आप मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, स्टे स्ट्रांग, ऑल दी बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।